सो वेलकम बैक गाइज, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम M1887 शॉटगन के साथ ओनली रेड रेड मारने के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। शॉटगन के साथ हेडशॉट मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है डेजर्ट ईगल और वुडपेकर के मुकाबले। तो बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 1 की तरफ। तो हमारा पहला टिप होने वाला है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को फाइंड करो और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड। शॉटगन के साथ हेडशॉट ना लगने के पीछे सिर्फ दो ही दिक्कतें होती है, एम स्टक होना और रिकॉइल होना। तो आपके साथ कौन सी दिक्कत हो रही है उसे ढूंढ लो, उसके बाद आपने उसे सॉल्व करना। तो एम स्टक होने के पीछे और रिकॉइल होने के पीछे कुछ प्लेयर्स अपने एम को दोषी मानते हैं कि हमारा एम सही जगह पे नहीं होता है, जिससे कि रिकॉइल होता है और एम स्टक होता है। पर गाइस मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि एम स्टक होने के पीछे और रिकॉइल होने के पीछे एम हमारा रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो शॉटगन है उसका रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप चाहो तो आप व्हाइट एम के साथ भी M1887 से हेडशॉट मार सकते हो और रेड एम के साथ भी मार सकते हो। ये बात याद रखना कि इसके साथ एम का कोई भी पंगा नहीं होगा, आप किसी भी एम प्लेसमेंट से हेडशॉट मार पाओगे, क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा होता है। तो रिकॉइल और एम स्टक होने के पीछे जो मेन रीजन होता है वो होता है हमारा ड्रैग करने का तरीका। और आप गाइस ये खुद नोटिस करके देखना कि सेम ही ड्रैग करने पे कई बार हमारी गन रिकॉइल करती है और सेम ही ड्रैग करने पे कई बार हेडशॉट लग जाता है और कई बार सेम ही ड्रैग करने पे बॉडी शॉट लगता है। तो ये थोड़ा गेम का भी मैकेनिज्म होता है, पर रिकॉइल और एम स्टक के पीछे ड्रैग ही रीजन होता है। और ये चीज मैंने नोटिस की है कि हमें शॉटगन के साथ स्मूथ तरीके से ड्रैग करना पड़ता है, जिससे कि हेडशॉट लगे। बहुत ज्यादा जोर से या फिर स्क्रीन को दबा के ड्रैग करने की जरूरत नहीं होती है। और आपको इस गन के रेट ऑफ फायर को समझना पड़ेगा और वो आप समझोगे प्रैक्टिस के साथ। पॉइंट नंबर 2, कुछ प्लेयर्स का ये कहना होता है कि भाई शॉटगन के साथ कस्टम्स के अंदर हमारे हेडशॉट्स लग जाते हैं पर CS और BR के अंदर नहीं लगते। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको M1887 के साथ कहां पे ज्यादा हेडशॉट्स मारने हैं, फिर आपने उसी में प्रैक्टिस करना। अगर आपको कस्टम के अंदर अनलिमिटेड गेम में ज्यादा हेडशॉट्स मारने हैं M1887 के साथ, तो आप कस्टम के अंदर ज्यादा प्रैक्टिस करो। और अगर आपको लिमिटेड गेम के अंदर ज्यादा हेडशॉट्स मारने हैं, जैसे कि CS या फिर BR के अंदर, तो आप कस्टम को लिमिटेड में बनाओ। अभी के टाइम पे फ्री फायर वाले फ्री में बहुत सारे कस्टम्स दे रहे हैं, तो आप जितना मर्जी चाहो उतने कस्टम खेल सकते हो अभी के टाइम में। तो अगर आपको BR और CS में ज्यादा हेडशॉट्स मारने हैं और आपको ये पता नहीं चला कि हम प्रैक्टिस कहां पे करें, तो आप कस्टम को लिमिटेड में बना लो और अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करो 1v1। इसमें आपको सिर्फ 3 ही ग्लूवल्स मिलेंगी और आप पूरा लिमिटेड की तरह खेल पाओगे। और अगर आप हेडशॉट्स ज्यादा मार पाए तो इसका मतलब होगा कि आप CS और BR में भी मार पाओ। और रही बात हेडशॉट्स की, तो हेडशॉट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि रीजन सिर्फ और सिर्फ हमारा ड्रैग ही होता है। अगर हम सही ड्रैग कर देंगे तो हेडशॉट लग जाएगा, और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो नहीं लगेगा। तो फालतू चीजों में आपने बिल्कुल भी नहीं उलझना है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि एम को यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे सेट करना है, ये वाला ड्रैग करना है, वो वाला ड्रैग करना है, तो फिर आप हेडशॉट मारना कभी भी नहीं सीख पाओ। और अगर आपको अनलिमिटेड कस्टम में ज्यादा हेडशॉट्स मारने हैं, तो आप अनलिमिटेड कस्टम ज्यादा। टिप नंबर 3, एक्सपीरियंस गाइस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं आपको अपना बताऊं, तो जब से मैंने वन टैप खेलना शुरू किया था, तो मैं सिर्फ कस्टम के अंदर डेजर्ट ईगल का ही यूज करता था और मैं शॉटगन को हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि डेजर्ट ईगल तीनों रेंज में चल जाता है। तो मैं डेजर्ट ईगल का ही ज्यादा यूज करता था और डेजर्ट ईगल के साथ मेरे काफी मस्त वाले हेडशॉट्स अभी भी लगते हैं। और कुछ प्लेयर्स हमारे सामने ऐसे आते हैं जिनके M1887 के साथ बहुत अच्छे हेडशॉट्स लगते हैं और मेरे डेजर्ट ईगल के साथ अच्छे हेडशॉट्स लगते हैं, तो वो मुझे पूछते हैं कि भाई डेजर्ट ईगल के साथ इतने अच्छे हेडशॉट्स कैसे मारता। तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है कि भाई मैं स्टार्टिंग से डेजर्ट ईगल का ही यूज करता आ रहा हूं और अभी मेरा डेजर्ट ईगल पे फुल कंट्रोल। वैसा ही आपके साथ भी होता होगा, अगर आप शॉटगन का कम यूज करते होंगे तो आपके शॉटगन के साथ कम हेडशॉट्स लगते हैं। जब आप शॉटगन का ज्यादा यूज करोगे फिर आपको पता लग जाएगा कि कब कितना शॉटगन के साथ ड्रैग करना होता है। एक मैं आपको बोनस टिप बता देता हूं एम को लेके कि एम हमें कहां पे सेट करना चाहिए। तो पहला टिप तो ये है कि भाई एम के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और गेम खेलते टाइम एम के ऊपर हमारा वैसे भी ध्यान नहीं जाता। फिर भी आप ये जानना चाहते हो कि हमें कौन सी एम प्लेसमेंट का यूज करना चाहिए, तो आप मेरे गेम प्ले के अंदर भी देख सकते हो हमें सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एम का ही यूज करना चाहिए। और लिमिटेड गेम के अंदर भी हमें व्हाइट एम का ही यूज करना चाहिए, और कई कबार हमारा रेड एम अगर हो जाता है तो वहां पे हमें रोटेशन ड्रैग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा एम एनमी के ऊपर चला गया था, रेड हो गया था, तो यहाँ पे मैंने रोटेशन ड्रैग कर दिया और एनमी को हेडशॉट लगा। और ड्रैग के बारे में जानने के लिए आप हैंड कैम वाली वीडियो ज्यादा देखा करो, हैंड कैम देखने से आपको ड्रैग के बारे में पता चलेगा कि हमें ड्रैग कैसे करना होता है। तो सेकंड चैनल के ऊपर मैं हैंड कैम वीडियोस अपलोड करता हूं, आप वहां पे जाके मेरा हैंड कैम देख सकते हो। अगर किसी को हमारे साथ खेलना होगा तो भाई इंस्टाग्राम पे आ जाना, हम इंस्टाग्राम की स्टोरी में टीम कोड देंगे और वहां से फिर जो प्लेयर्स आएंगे हम उनके साथ खेलेंगे और हैंड कैम रिकॉर्ड करके सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड। अगर किसी को हमारे साथ खेलना होगा तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप आ जाओ। तो बस वे गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय गाइस।